अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 10 जो है वो जारी है। तो आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस की बीमारियाँ। ये बीमारियाँ पूरी दुनिया में हर जगह आम हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी रेशो बाकी कंट्रीज़ की जो ना नस्बत ज़्यादा है। इसकी वजह यहाँ पे डस्ट और बाकी जो ना एलर्जेंस केमिकल्स वगैरह की मौजूदगी है। तो सबसे पहले जो बीमारी है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की लफ्जी मानी है इन्फ्लेमेशन, यानी सांस की नाली के अंदर जो है स्वेलिंग हो जाना। तो इससे होता क्या है, जो सांस का रास्ता है, जो ट्रेकिया है, इसके अंदर म्यूकस जम जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ब्रोंकाइटिस दो तरह की है, एक है अक्यूट ब्रोंकाइटिस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस दो से तीन हफ्तों के लिए रहती है और खुद खुद ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको ख़त्म कर देता है बगैर किसी मेडिसिन के। जो ना जैसे आम जुकाम होता है, ये भी ठीक हो जाती है। और दूसरी जो बीमारी है वो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये लंबे अरसे तक रहने वाली है, यानी कई साल तक चलती है, और ये मेडिसिन वगैरह के बगैर जो ना इसका इलाज भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स की तरफ, हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे ब्रोंकाइटिस है। तो इसमें जो पहली चीज़ है वो खांसी होती है, फीवर है, बुखार होता है, इसके साथ जो है सांस की तंगी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस छोटी छोटी हो जाती है, यानी बड़ी मुशक्कत होती है, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, और साथ जो है वो सर्दी लगती है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, और हमारे एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो फसलों के ऊपर जो स्प्रे वगैरह करते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका सबब बनती हैं। अब इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे जो बेहतरीन जो ना हल है वो मास्क का इस्तेमाल है। हमें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, और मुख्तलिफ जो है एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बाज़ार में अवेल हैं, उसके ज़रिए इसका इलाज मुमकिन है। तो दूसरी जो बीमारी है वो है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा में ही होता है, लंग्स के बारे में हमने पहले पढ़ा कि लंग्स के अंदर एलोवियोलाई जो है वो आगे छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिनकी मदद से गैसों का तबादला होता है। तो एम्फिसीमा की सूरत में वो थैलियों को अंदर से जो उसका आपस में कनेक्शन होता है वो उसकी दीवारें टूट जाती हैं, और हवा के जो सैक्स हैं, जो खाने हैं, वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है जब वो सैक्स बड़े होंगे तो गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, और कॉन्सिक्वेंटली जो गैसों का तबादला है उसकी रेशो बहुत कम हो जाएगी, और हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी। तो इसके अंदर भी जो इसकी कॉमन जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ठीक है, फटीग है, हमें थकावट महसूस होती है, वेट लॉस होता है, और जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि मरीज़ को, इसके पेशेंट को स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि मैं एम्फिसीमा का मरीज़ हूँ। तो जब इसकी सिम्टम्स सामने आती हैं तो तब तक जो है मरीज़ का 50-70% जो टिश्यू हैं लंग्स के उसको वो लूज़ कर चुका होता है, वो तबाह हो चुके होते हैं। तो इसके भी बहुत से काजेज़ हैं, ठीक है, और इसको भी मुख्तलिफ मेडिसन की मदद से जो है वो रिमूव किया जा सकता है। और तीसरी जो बीमारी है वो है नमोनिया। नमोनिया जो है ये भी हमारे लंग्स की बीमारी है। अगर तो दोनों लंग्स एक ही टाइम में मुतासर होते हैं तो इसे हम डबल नमोनिया कहते हैं, और इसके अंदर भी सांस लेने में दुश्वारी होती है, जो साथ शिवरिंग होती है, जिस्म कांपता है, सर्दी लगती है, तेज़ बुखार हो जाता है, और सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसकी जो सबसे बड़ी मेन वजह है एक बैक्टीरिया है जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस नमोनाई कहते हैं, इसकी इन्फेक्शन की वजह से इंसान जो है वह नमोनिया में मुबतला हो सकता है। और इसकी जो है वो मार्केट में मेडिकल स्टोर पे वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, वैक्सीन की मदद से नमोनिया का इलाज जो है वो पॉसिबल है। तीसरी जो है, जो चौथी हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है एस्थमा।
अस्थमा को उर्फ़े आम में हम दमा भी कहते हैं। तो जब किसी मरीज़ को, जब किसी इंसान को अस्थमा हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके अंदर भी जो है वो सांस तंग हो जाती है, अंदर से सांस लेने के दौरान सीटी की आवाज़ आती है। इसी तरह छाती के अंदर जो ना वो टाइटनेस है, थोड़ा सा ऐसे बोझ सा महसूस होता है। तो इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, इसमें सबसे बड़ी जो है वो डस्ट पार्टिकल हैं और पोलन ग्रेन्स हैं जिसकी वजह से हमें जो है वो अस्थमा हो सकता है। तो इसके इलाज के लिए भी मार्केट में मेडिसिन अवेल हैं, उसकी मदद से इसका इलाज पॉसिबल है। लास्ट जो है हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है लंग्स कैंसर। कैंसर के बारे में हमने 9th क्लास में चैप्टर 5 सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है कि जब सेल की डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है, वो कंट्रोल में नहीं होती है, सेल तकसीम होते ही चले जाते हैं और इस सिचुएशन को हम कहते हैं कैंसर है। पूरी दुनिया में 1.3 मिलियंस जो है वो डेथ एक साल में हर साल होती हैं, पूरी दुनिया में 1.3 मिलियंस जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में लंग्स कैंसर की वजह से मर जाते हैं। अब इसके अंदर भी जब लंग्स कैंसर होता है तो जो सांस है उसमें तंगी होती है, क्योंकि इन सारी डिजीज़ का जो तल्लक है वो रेस्पिरेशन के साथ है, इसलिए इसमें सबसे पहले जो है वो ब्रीदिंग में तकलीफ़ होती है। तो इसकी भी बहुत सारी जो है वो वायरस की वजह से होती है, इसकी वायरस की इन्फेक्शन होती हैं, और सबसे जो मेजर चीज़ है लंग्स कैंसर की वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग, तंबाकू के धुएँ के अंदर तकरीबन 4000 किस्म के केमिकल्स ऐसे होते हैं और जो कैंसर का सबब बनते हैं और लंग्स के जो टिश्यू को वो तबाह कर देते हैं। तो इन सब का जो बेहतरीन इलाज है उसके लिए हमें जो है वो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको अपनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई है, फिर भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप लाइव चैट पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम।